हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था क्या कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर, यू मस्ट सपोज करो ये कोई कंडक्टर है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। किसी भी वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, कब? जब उसमें करंट फ्लो होता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था ओरेस्टेड ने इन 1820, ये हम पढ़ चुके। और कैसे डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो डिफ्लेक्शन कंपास मॉडल में ऑपोजिट आता है, कैसे किस तरफ आता है, वायर को नीचे रखते थे कंपास को ऊपर रखते थे तो क्या रिजल्ट्स आते थे, ये सब हम कर चुके पहले। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। एक्सपेरिमेंट कुछ वैसा ही है ये भी, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसके लिए एक अलग रूल लगाएंगे जिसको बोलेंगे हम राइट हैंड थंब रूल। और ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में जब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वायर के अराउंड, उसकी जो डायरेक्शन हमने निकाली थी वो निकाली थी हमने किससे? कंपास की हेल्प से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है उनकी डायरेक्शन किस तरफ है वो कंपास की हेल्प से भी निकाली जा सकती है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। इसमें हम एक अलग रूल लगाएंगे कि मानिए, सपोज करो कि अपने पास ये कोई कंडक्टर हो, ये कोई वायर है, इस वायर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ हमने लगा दिया कोई एमिटर, ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इधर लगाया आपने कोई स्विच, ये रियोस्टेट लगा दिया और ये आपने अपना सर्किट पूरा कर लिया। ठीक है, सपोज करो बच्चों इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस वायर, इस वायर में करंट की डायरेक्शन होगी ये। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन होगी पूरे वायर में जब करंट फ्लो हो रहा है, तो वायर के हर पॉइंट के ऊपर क्या बन रही होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है उनकी हमें डायरेक्शन बतानी है कि किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। सपोज करो हम इस वायर को कंसिडर कर रहे हैं, इस वाले वायर को कंसिडर कर रहे हैं, ए बी वायर को, और इस ए बी वायर के हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है। तो सपोज करो कोई ये वाला पॉइंट मान लीजिए आप, यहाँ कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस वायर के अराउंड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू इट, ये वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इट इज फाउंड बाय द ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर, ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। ठीक है बच्चों, ये तो है इसकी डेफिनेशन, सिंपल सी ओरेस्टेड की डेफिनेशन थी ये। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, बिल्कुल सिंपल, एक बार में ही पढ़ने से समझ में आ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ जो डायरेक्शन हम मेजर करेंगे कि किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी, उसके लिए हम रूल लगाएंगे यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल। अब ये क्या होता है इसको समझना, राइट हैंड थंब रूल। देखिए राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इमेजिन द स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हम सपोज करते हैं कि ये कोई कंडक्टर है, Imagine the state current carrying conductor in your right hand. ये हमारे right hand के अंदर है, right hand में लिया हुआ है state carrying conductor, और इस conductor में current pass हो रहा है, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ current pass हो रहा है। ठीक है, तो जिस तरफ current pass हो रहा है, current की direction के साथ हम अपने thumb को point करेंगे, तो thumb represent करेगा direction of electric current को, और ये curling finger है ये represent करेंगे direction of magnetic field को। बड़ा simple rule है, imagine in your right hand, a conductor is in your right hand, the thumb represents the direction of electric current and curling finger gives the direction of magnetic field line. देखिए इसी रूल को हम यहाँ अपने इस सर्किट में यदि अप्लाई करें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, आप देखें ये है करंट की डायरेक्शन, इस तरह से करंट आ रहा है, हमने इस वायर को कंसिडर किया है, ए बी जो वायर है इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो थम है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, तो थम को रखिए यहाँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ रखिए ऊपर की तरफ, और ये फिंगर को कर्ल करिए ऐसे, तो ये फिंगर कुछ कर्ल होकर के ऐसे आएंगे,
ये कंडक्टर, इसमें करंट ऊपर की तरफ, थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज द कर्लिंग फिंगर, और ये कर्लिंग फिंगर जो इस तरह से घूम रही है ऐसे, तो ये बताती है अपने को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कुछ ऐसे होगी, ये यानी कि जब आपका करंट यहां से ऐसे फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ इस कंडक्टर में, तो इसमें बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन बन रही है यहां पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कब? व्हेन करंट फ्लो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, ठीक है बच्चों। यदि हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, यानी कि करंट जब इस तरह से फ्लो होकर के आए इन दिस वायर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो हमें अपने राइट हैंड को क्या करना है, थंब को रिप्रेजेंट करेंगे किसकी तरफ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट यदि ऐसे फ्लो हो रहा हो ए से बी, यदि ये वाला पॉइंट नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव से करंट इस तरफ चलेगा, इस तरह से उठते आएगा, और कर्लिंग फिंगर होंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगे, तो ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की ये अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो अगले केस में ये कुछ इस तरह से होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच गिव्स बाय राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको बता सकते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है या नहीं करती, यदि हम करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है या नहीं होता, या डिस्टेंस पे मेजर करती है कि नहीं करती, डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, तो कुछ फैक्टर हैं, फैक्टर ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फैक्टर ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड, किन किन फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फर्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई। देखिए स्टूडेंट्स, यहां कोई वी वोल्ट की कोई बैटरी अप्लाई कर रखी है हमने, इस वी वोल्ट की बैटरी से जो करंट इस वायर में फ्लो हो रहा है वो है आई। यदि इस करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, इस वायर में फ्लो होने वाला करंट यदि इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो इस वायर के हर पॉइंट पे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी, यानी कि हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। करंट बढ़ेगा, करंट इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या होंगी, स्ट्रांग होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है करंट पे, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ठीक है। दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो दूसरे एक फैक्टर और होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्या, कि वायर के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है वो स्ट्रांग होती है जैसे जैसे वायर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वीक होती चली जाती है, यानी कि हम कहेंगे दूसरा जो फैक्टर है वो होगा डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर पे भी, और उसकी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस r। ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी कंडक्टर से, करंट कंडक्टर यहां पे है, इससे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, v
बी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. कंबाइनिंग इक्वेशन 1, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई अपॉन आर. ये एक फॉर्मूला इसका बनता है. मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. एक तो करता है डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे और दूसरा करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे. करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा और डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. ये दो फैक्टर हमने पढ़े. ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिट्स उसकी कैसे निकालेंगे हम. यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उनकी यूनिट क्या होती है. ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एसआई यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों टेस्ला. टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है जिसको टी से डिनोट करते हैं. एक स्मॉलर यूनिट और भी होती है इसकी, स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या जिसे आप सीजीएस यूनिट भी बोल सकते हैं, वो होती है गॉस, जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड की छोटी यूनिट है गॉस, जिसे सीजीएस यूनिट भी कह सकते हैं. और वन टेस्ला इज इक्वल टू वैल्यू होती है 10^4 गॉस. वन टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10^4 गॉस. अब देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या आप इसे स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं. स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो इस वायर के अराउंड प्रोड्यूस हो रखी है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, एट ए डिस्टेंस आर बाय दिस वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय देखिए बच्चों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको रफ कर देता हूं यहां से. देखिए स्टूडेंट, कोई वायर, इस वायर में ये करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर के अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे आप इसको, कि कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है या वीक मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस वायर के अराउंड जो बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं उनकी डायरेक्शन ये है. ठीक है, इस वायर से इसके पॉइंट यहां कोई पॉइंट मान लिया हमने ए, जो वायर से आर डिस्टेंस पे है, यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर वायर. इस वायर में जो करंट फ्लो है, समझिए इसको फॉर्मूला क्या आता है. एक वायर है हमारे पास जिसमें करंट फ्लो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस अपवर्ड डायरेक्शन में. इसके अराउंड बनेगा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी. हमने इसको समझ लिया है कि इससे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे. इस वायर की वजह से इसके इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस आर पे है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह लीजिए या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लीजिए. ठीक है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी उसके लिए फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2I/r. ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला दिया गया था भी बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ से. ये फॉर्मूला है बायो सावर्ट लॉ से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड
बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई इंटू आई अपॉन टू आर, सॉरी ये टू आएगा, टू पाई आर, टू से ये टू कैंसिल होकर टू आ गया था। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर। दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय बायो सावर्ट लॉ, जो हम अपर क्लासेस में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये फॉर्मूला किस लिए है, ये फॉर्मूला है जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उस करंट फ्लो से उस वायर से डिस्टेंस आर पे किसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। ये फॉर्मूला होता है इसके लिए किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग करने का, और ये दिया था बायो सावर्ट लॉ से, बायो सावर्ट ये साइंटिस्ट के नेम है बायो एंड सावर्ट, और इसलिए इसका नाम रखा गया बायो सावर्ट लॉ। ओके बच्चों, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई ये है कॉन्स्टेंट म्यू नॉट अपॉन फोर पाई विच विल बी इक्वल टू 10^-7 टेस्ला, दिस इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू। ओके तो बच्चों ये था आपका टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जो बहुत सिंपल है। इसमें क्या था कि हमने एक वायर लिया, वायर में करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने से वायर के अराउंड क्या बनती है मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो हमने कैसे मेजर की, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल से हमने मेजर की। अब जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होती हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड वो कितनी स्ट्रांग है, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, वो किस पे डिपेंड करती है, तो एक तो करंट पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा हम उस करंट वायर में करंट फ्लो करेंगे तो बनने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होंगी वो उतनी स्ट्रांग होगी, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा उस वायर के अराउंड, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर हमने ये पढ़ा कि डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, कि ये कोई कंडक्टर है इससे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, वो वीक होती जाएगी, डिक्रीज होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ इस केस में ये बी जो होता है, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल आई और बी इनवर्सली प्रपोर्शनल आर, ये दो फैक्टर पढ़े। ठीक, उसके बाद हमने डिस्कस किया बायो सावर्ट लॉ के बारे में थोड़ा सा, जो अपर क्लास में आएगा आप इस पे ये फॉर्मूला ध्यान रखें, बस इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करें, ज़्यादा बिना देखें सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे इसमें। ठीक, तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पे उस वायर से कुछ पॉइंट के ऊपर निकले आर डिस्टेंस पे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, तो वो इसके लिए फॉर्मूला आएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, ये फॉर्मूला होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर वायर। ओके, थैंक यू वेरी मच।